दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो पीक है ना, इसमें देखिए क्या क्या दिक्कत है। देख सकते हो फ्रंट आर्मोल पे देखिए, जो कॉटरी है ना, इसके ऊपर की तरफ जो फैब्रिक है, रिंकल्स नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो इस तरीके से क्यों होता है? कटिंग करते वक्त क्या गलती होता है? छोटा सा एक बात आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। ये जो पीक है ना, मुझे सेंड किया गया था मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ही एक व्यूअर्स ने ये सेंड किया। अभी बैक साइड पे देखिए, बैक साइड बहुत ज्यादा यहाँ पे रिंकल्स है। देखिए ये जो फैब्रिक है ना, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आपको जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक का क्वालिटी क्या है। यहाँ पे जो फैब्रिक है ना, ये जो फैब्रिक, ये सिल्क फैब्रिक है। इस तरह का जो फैब्रिक है ना, आप कितना भी अच्छा ब्लाउज सिलाई करते हो, फिर भी देखने में इसमें हल्का सा रिंकल्स नजर आते हैं। लेकिन जब आप उनको सामने से देखोगे ना, उस टाइम पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इतना रिंकल्स आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप मोबाइल पे वीडियो या पिक लेते हो ना, उस टाइम पे इस तरह का रिंकल्स ज्यादा आता है। तो ये फैब्रिक है ना, ये कटिंग करते टाइम आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, तब ये दिक्कत नहीं होगा। मैं जब भी कोई भी ब्लाउज का कटिंग या सिलाई का वीडियो देती हूँ, सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। लेकिन आप लोग फिर भी स्किप कर लेते हो, जिसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आपको जरूर होता है। अभी देखिए, पहले मैं समझाऊंगी फ्रंट पे जो फैब्रिक कॉटरी की तरह झुका हुआ है वो क्यों है, पहले वो देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, बैक पार्ट कटिंग करने के बाद बैक के हिसाब से देखिए, इस तरीके से आपको निशाना लगा के लेना है फ्रंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने निशाना पहले से ही लगा लिया फ्रंट के लिए। अभी देखिए यहाँ तक मेरा बैक पार्ट था, लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैं जो डबल कटर ब्लाउज कटिंग करती हूँ ना, मेरे कटिंग करने का तरीका अलग होता है, मैं डायरेक्ट फेब्रिक पे कटिंग कर लेती हूँ। अभी इसको सीधा करना है, हो गया। ये जो पहला निशाना है ना, ये अभी हमें नहीं चाहिए। जितना मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया ना, बाद में आपको और नहीं लेना है। अभी देखिए फ्रंट नेक जेब आपको लेना है। डबल कटरी ब्लाउज पे जितना फ्रंट नेक ज्यादा होता है, उतना देखने में अच्छा होता है। देखिए ब्लाउज का साइज अगर छोटा होता है 7 लीजिएगा, नहीं तो 7.5 इंच लीजिएगा। देखिए मेरे जो ब्लाउज का यहाँ पे अपर चेस्ट है ना, सिर्फ 33 इंच है, कभी कभी 33.5 भी होते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन होता है मेरे बॉडी। उसी हिसाब से मैं हमेशा यहाँ पे फ्रंट पे 7.5 इंच लेती हूँ। फिर भी आप लोग देखिएगा, जब मैं ब्लाउज पहनती हूँ ना, उस पे देखिएगा मेरे ब्लाउज का फ्रंट साइड पे फिटिंग्स कितना अच्छा होता है। अभी पहले इसको सीधा कर लो। अगर आप 7.5 नहीं रखना चाहते तो 7 इंच रख दीजिएगा, इसको पहले सीधा करना है। अभी देखिए नेक का चौड़ाई, अगर आपको छोटा रखना है तो 2.5 इंच दीजिएगा, पिक साइज के लिए 2.75 इंच दीजिएगा। देखिए अभी ये जो दिक्कत है ना, कहाँ पे होता है, फ्रंट नेक का जो गोलाई है ना, गोलाई में आपको दिक्कत होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रख देते हैं। ऐसे आपको नहीं देना है, ऐसे देने से जो फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे होता है ना, ये आपको कॉटरी की तरफ झुकने लगते हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे फैला के देना है। देखिए इस तरीके से आपको अंदर की साइड से ऐसे फैला के देना है। जितना अंदर की तरफ ये फैला हुआ होगा ना, फ्रंट साइड पे देखते में उतना ज्यादा अच्छा होगा, राउंड भी होगा और रिंकल्स भी आपका बहुत ही कम होगा। तो देखिए पहला जो निशाना मैंने दिया ना, ये मिटा लूंगी, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। अभी देखिए हमें बास्ट पॉइंट के लिए लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, या चाहे तो अलग अलग करके भी ले सकते हो। पहले 6 इंच पे निशाना लगा लो, उसके बाद 4.5 इंच पे और एक निशाना लगा लो। अगर किसी का हाइट बहुत ही कम है और फुल बाज भी कम है, उस टाइम भी 5.5 इंच रख दो। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे 4.5 इंच रखूंगी, इसको पहले सीधा करना है, हो गया। अब जितना आपको कॉटरी के लिए चाहिए, 7 इंच चाहिए तो 7 पे लीजिएगा, 7.5 चाहिए तो 7.5 इंच पे दीजिएगा, जितना आपको चाहिए। देखिए हर एक साइज पे कॉटरी का मेजरमेंट अलग अलग होता है। जिनका फुल बाज ज्यादा होता है, उनका कॉटरी का साइज ज्यादा होता है। जिनका फुल बाज कम होता है, उनका कॉटरी का साइज छोटा होता है। हर एक साइज में अलग अलग कॉटरी होता है, जितना मिलते हैं ना उसको मीडियन निकाल लेना है। अभी देखिए कॉटरी अगर आपको बिल्कुल ब्रा की तरह चाहिए, उस टाइम पे आप 1 इंच से 2 सूत ज्यादा उठा लो। पूरा ब्रा की तरह चाहिए तो 3 सूत देना ही, नहीं तो 2 सूत देने से परफेक्ट होता है। दोनों साइड पे सेम तरीके से आपको उठा लेना है, ओके। लेकिन इसमें आपको दबा के देना है ऐसे, नहीं तो फिटिंग आपका यहाँ पे फिटिंग आपको कभी भी अच्छा नहीं होगा। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाना है। ये पॉइंट मिलाते वक्त आपको इस तरीके से यहाँ से नहीं लेके आना है, ध्यान में रखना है। अगर आप इस तरीके से लेके आते हो ना, उस टाइम पे यहाँ पर जरूर आपका फिटिंग नीचे की तरफ झुकेगा। चाहो तो मेजरमेंट ले सकते हो, यहाँ पे 5 इंच भी ले सकते हो, 5.5 भी दे सकते हो, या 4.5 भी दे सकते हो। तो
नॉर्मल है, मैं बोलूंगी आप 5 इंच पे रख दो, इसको इस तरीके से मिला दो। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाना है, मिलाने से पहले हल्का सा बाहर की तरफ लेना है। देखिए यहाँ पे हो गया है। अगर ब्लाउज का साइज छोटा है उसमें कटोरी थोड़ा अलग किस्म का होता है। इसमें देखिए अगर आप और भी गहराई से देना चाहते हो इस तरीके से आप और भी गहराई से दे सकते हो। कटोरी में जो फ्रंट पे शेप होता है ना बिल्कुल अपने पसंद के हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे देखिए अभी अपने हिसाब से लीजिएगा, 4.5 इंच रख दीजिएगा, इतना नहीं चाहिए फिर भी मैंने यहाँ पे 4.5 इंच रख दिया। इसको इसके साथ मिला लो। अब यहाँ पे 1/2 इंच इसको मिडल मिलाना है और जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ आपको रखना है। यहाँ पे 1/4 इंच उठा लो, दोनों पॉइंट को मिला लो, हो गया है। अभी देखिए इसमें जो पार्ट है इसमें कितना लेना है, जो नीचे का पार्ट है ना इसका मिडल पहले निकाल लो। निकालने के बाद इसे 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है, लेकिन सीधा नहीं रखना है, इसको ऐसे तिरछा करना है, हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो झुका हुआ होता है ना उसका मेन रीजन होता है फ्रंट साइड पे, जो यहाँ पे फैला के देते हो ना, या अगर फैला के नहीं देते हो ना उस टाइम पे आपका यहाँ पे जरूर झुका हुआ होगा। और एक बात आपको देखना है बैक साइड पे। अब इसको मिटा लेते हैं। पहले ब्लाउज का लंबाई ले लो, जितना आपका ब्लाउज का लंबाई, यहाँ पे मैंने सिलाई मार्जिन लेके 14 इंच लिया। अब इसको सीधा पहले मिला लो, हो गया। शोल्डर रख दो 5.5 इंच लो, यहाँ से आर्म होल 1/6 इंच रख दो, ये एक नॉर्मल साइज है। अभी चेस्ट का 1/4 भाग ले लो, 33 का 1/4 भाग यहाँ पे मैं रख लेती हूँ, इसके साथ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी आर्म होल की गोलाई आप 1 इंच पे रख दो, ज्यादा नहीं देना है। इसमें देखिए आपको जरूर ऐसे नीचे की तरफ देना है, यहाँ पर ज्यादातर लोग गलत कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। इसको देखिए इस तरीके से मिला लेते हैं, ऐसे नहीं मिलाना है, देखिए ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा नीचे की तरफ देना है। ज्यादा नीचे की तरफ होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना नीचे की तरफ होगा ना उतना ही फेब्रिक एक्स्ट्रा कम होगा। इसका कमर पर तिरछा करके मिला लो। तो इसमें और एक बात, यहाँ पे 1/4 इंच उठा लो, इसको ऐसे तिरछा कर दो, ओके। इसमें टिकन दे दो, जो टैक्स है ना टैक्स यहाँ पे लगा लो, हो गया। यहाँ पर जरूर आपको डाउन करना है और इस साइड पे हल्का सा उठा देना है। देखिए यहाँ पर जितना फैब्रिक कम होगा ना उतना यहाँ पे रिंकल्स कम होगा, और ये जो टक्स है ना टक्स आपको बराबर तरीके से देना है। जो ब्लाउज का लंबाई अगर 14 होता है उस टाइम पे आपको मिनिमम 5.5 इंच यहाँ पे जरूर उठाना है। अगर 5.5 इंच नहीं उठाते हो ना उस टाइम पे यहाँ पे रिंकल्स बहुत ज्यादा होगा। अगर ब्लाउज का लंबाई आपका 15 या 16 होता है उस टाइम पे आप यहाँ पे 6 इंच से भी ज्यादा रख दो, 6 इंच से 200 ज्यादा यहाँ पे रख देना है। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज के लिए मेजरमेंट लेना है। अगर सही तरीके से लेते हो ना उस टाइम पे रिंकल्स आपका नहीं होगा, लेकिन जब इस तरह का सिल्क फेब्रिक होता है ना उस टाइम पे हल्का सा रिंकल्स जरूर होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा रिंकल्स नहीं होता जितना यहाँ पे हुआ है। तो मैंने अभी यहाँ पे जिस तरीके से आपको समझाया ना आप लोग उस तरीके थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो देखिए आपका जो ब्लाउज आपने तैयार कर लिया, अगर इसको ठीक करना है उस टाइम पे आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट का जो आपने नेक पोटी सिलाई किया उसको निकालना है। निकालने के बाद दोबारा से आपको फ्रंट पे गहराई से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद फिर से आपको सिलाई करना है, नहीं तो आपका जो दिक्कत है ना ये खत्म नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप ठीक कर लेते हो ना दोबारा से, तब देखिएगा रिंकल्स आपका बहुत कम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कटिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है। पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको।